जय हिंद। सो दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप में से बहुत बच्चे इसके रिगार्डिंग क्वेरीज पूछते रहते थे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, और कल जब मैंने एक सेशन डाला उसके बाद इसके रिगार्डिंग क्वेरीज और ज़्यादा पूछ रहे थे बच्चे कमेंट्स में। क्वेरी ये थी कि सर, क्या कोई IAS ऑफिसर अपनी सैलरी के अलावा कोई और एक्स्ट्रा इनकम भी अर्न कर सकता है? क्या कोई IAS ऑफिसर एक एक्टर बन के किसी मूवी में, वेब सीरीज में एक्टिंग करके भी एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकता है? सो आज के सेशन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन। देखो, जब भी आप एक सिविल सर्वेंट के तौर पे सिलेक्ट होते हो UPSC का एग्जाम देने के बाद, उसके बाद या तो आप IAS IPS ऑफिसर बनते हो या फिर IFS IRS IDES रेलवेज में सेंट्रल सिविल सर्विसेज में एंटर करते हो, और फॉरेस्ट सर्विसेज के अलग एग्जाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी IAS IPS और IRS IFS फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों आपकी होती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। ये हैं आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज, और जो बाकी की सारी आपकी सर्विसेज हैं दोज आर सेंट्रल सिविल सर्विसेज। जो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनके लिए और सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए कंडक्ट रूल्स होते हैं। कंडक्ट रूल्स क्या होते हैं कि जब आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई के तौर पे, एक ऑफिसर के तौर पे गवर्नमेंट मशीनरी में काम करोगे, तो आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हो और कौन कौन सी चीज़ें आप नहीं कर सकते, सो वो सब डिफाइंड होती हैं रूल्स के अंदर। सो ऑल इंडिया सर्विसेज के कंडक्ट रूल्स अलग हैं और सेंट्रल सिविल सर्विसेज के कंडक्ट रूल्स अलग हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं वो कंडक्ट रूल्स, उनके रिलेटेड कौन से हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968, और जो आपकी सेंट्रल सिविल सर्विस हैं उनके लिए हैं CCS कंडक्ट रूल्स 1964। इनके जो प्रोविजंस हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, कुछ एक चीज़ों में थोड़े बहुत वेरी करते हैं बट काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। सो हम ऑल इंडिया सर्विसेज जिसके अंदर IAS IPS आता है उसके रूल्स को रेफर करते हैं। और ये जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या कोई IAS ऑफिसर एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता है, वो आंसर हमें मिलेगा रूल नंबर 6 और रूल नंबर 13 में जाके। रूल नंबर 6 देखते हैं, रूल नंबर 6 है क्या। अब इसका जो कैटेगरी है वो मैंने रखी है कि पब्लिकेशन ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ IAS ऑफिसर्स सर्विस में रहते हुए बुक्स लिखते हैं, उनके बाद उनकी बुक्स पब्लिश भी होती हैं। कई बार आप न्यूज़पेपर के अंदर IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर्स के सिविल सर्विसेज के आर्टिकल्स भी पढ़ते हो, कई बार आप न्यूज़ चैनल्स पे भी कुछ को देखते हो ओवर सम डिबेट और डिस्कशन। अब ये चीज़ें कहाँ से अलाउ होती हैं? ये अलाउ होते हैं रूल नंबर 6 के अंदर। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कनेक्शन विद प्रेस और रेडियो, प्रीवियस सेंक्शन मतलब अप्रूवल परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नहीं होगी when the member of the service in the bona fide discharge of his duties or otherwise publishes a book or contributes to or participates in a public media। अगर कोई सर्विस का मेंबर, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंडर आता है, अगर वो अपने एक सही तरीके से ड्यूटीज करते हुए कोई बुक पब्लिश करता है या पब्लिक मीडिया के अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहता है, तो उस केस में गवर्नमेंट की अप्रूवल पहले नहीं चाहिए होगी। ये मान के चल रही है गवर्नमेंट इस चीज के अंदर, इस रूल में मान के चला जा रहा है कि आप कोई इस तरह की बुक नहीं लिखोगे या इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दोगे या इस तरह का कोई आर्टिकल नहीं रखोगे जो कि आपके बाकी के कंडक्ट रूल्स को वायलेट करेगा। बाकी के कंडक्ट रूल्स को वायलेट करने का मतलब कि मतलब पॉलिटिकली आप न्यूट्रल हो कि नहीं हो, आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं फेवर करते हो कुछ लिख रहे हो या बुक लिख रहे हो, या कोई अपनी बुक के अंदर, अपने आर्टिकल के अंदर गवर्नमेंट का कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट या कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं शेयर कर रहे, वो बाकी के कंडक्ट रूल्स वायलेट नहीं होने चाहिए, बट आप कोई बुक पब्लिश करवा सकते हो। प्रोवाइडेड दैट ही शैल ऑब्जर्व द प्रोविजंस ऑफ द रूल्स, जो मैंने अभी आपको बोला है कि रूल्स के बाकी के प्रोविजंस जो हैं वो सारे के सारे वो ध्यान में रखे जाएंगे, और इट शैल बी मेड क्लियर दैट व्यूज एक्सप्रेस्ड आर ऑफ हिज ओन एंड नॉट दोज ऑफ द गवर्नमेंट, और ये क्लियर किया जाएगा कि जो व्यूज हैं मेरे वो खुद के हैं, पर्सनल व्यूज हैं, वो गवर्नमेंट के व्यूज नहीं है जो मैं इस बुक में लिख रहा हूँ या इस आर्टिकल में लिख रहा हूँ। सो यहां से क्लियर हो गया कि आप एज एन IAS ऑफिसर
सर्विस में रहते हुए बुक पब्लिश करवा सकते हो, आर्टिकल्स लिख सकते हो, पब्लिक मीडिया के अंदर अपने आर्टिकल्स लिख सकते हो, अपना ओपिनियन एक रख सकते हो। अब हम चलते हैं रूल नंबर 13 पे, जहां से आपको अपने इंपॉर्टेंट आंसर मिलेंगे। ये है रिलेटेड टू प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, कि प्राइवेट किसी कंपनी के साथ कोई ट्रेड करना या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट लेना सर्विस में रहते हुए, उससे रिलेटेड है। अब यहां लिखा हुआ है रूल 13 का सब रूल 13(1) सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सब रूल 2। पहले हम सब रूल 2 देख लेते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 2, कि सब रूल 2 की प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए आगे कुछ प्रोविजंस डिफाइंड है। तो हम पहले सब रूल 2 ही देख लेते हैं कि 13 का सब रूल 2 क्या है। अ मेंबर ऑफ द सर्विस मे विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन, विदाउट वर्ड मतलब विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट से पहले बिना अप्रूवल लिए हुए क्या कुछ कर सकता है, अंडरटेक ऑनररी वर्क ऑफ अ सोशल और चैरिटेबल नेचर। मतलब सोशल या चैरिटेबल वर्क आप कर सकते हो, उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अंडरटेक ओकेजनल वर्क ऑफ लिटररी, ओकेजनल मतलब कभी कभार, लिटररी लिटरेचर से रिलेटेड कभी कभार आप कोई काम है वो बिना परमिशन के कर सकते हो। आर्टिस्टिक वर्क, जो आर्टिस्ट जो काम करते हैं उससे रिलेटेड कोई काम, मतलब कभी कभार आप ओकेजनली आर्टिस्टिक वर्क भी कर सकते हो। अब एक्टिंग करना एक तरह का आर्ट ही है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। राइटिंग आपकी लिटरेरी के अंदर आ गई है। और साइंटिफिक करेक्टर या साइंटिफिक कोई वर्क हो, तो ये आप ओकेजनली, ओकेजनल वर्ड जरूरी है, ये नहीं है कि आप अपनी सर्विस के साथ डेली जो आपकी ड्यूटीज है उनको कॉम्प्रोमाइज करके, ओकेजनली आप इनमें से कर सकते हो विदाउट टेकिंग दी परमिशन। पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एज एन एमेच्योर, मतलब प्रोफेशनली नहीं आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मान लो कोई फ्रेंडली मैच है, आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, तो आप फ्रेंडली मैच खेल सकते हो जाके, आपको ये परमिशन लेने की जरूरत नहीं है डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट से कि मैं एक फ्रेंडली मैच खेला हूं किसी की तरफ से। या टेक पार्ट इन द रजिस्ट्रेशन, ये जो है ये हमारे अभी जो हमारा क्वेश्चन है उतना हम उससे इतना काम का नहीं है, बट ये भी आगे एक प्रोविजन है, आप रूल्स में जाके पढ़ सकते हो। सो यहां से जो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको पता चल गई कि प्रीवियस सेंक्शन लिए बिना हम ये चीजें कर सकते हैं। अब हम आते हैं रूल 13(1) पे वापस। उन्होंने कहा था सब्जेक्ट टू रूल 13(2), मतलब जो 13(2) में कर सकते हो वो तो आप कर सकते हो, बट अब जो हम डिफाइन करने लगे हैं उसके रिगार्डिंग प्रीवियस सेंक्शन चाहिए होगी। अब जो आगे चीजें लिखी हुई हैं ये सारी की सारी चीजें आप गवर्नमेंट से पहले सेंक्शन लिए बिना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकते, बट गवर्नमेंट से अगर आपने प्रीवियस सेंक्शन ले ली तो आप कर सकते हो। तो वो क्या क्या चीजें हैं, एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड और बिजनेस। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे से किसी भी ट्रेड और बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते अनलेस एंड अंटिल आपने गवर्नमेंट से पहले सैंक्शन लिया है, अप्रूवल लिया है। नेगोशिएटेड फॉर और अंडरटेक एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, कोई और एम्प्लॉयमेंट आप नहीं ले सकते, उसके रिगार्डिंग नेगोशिएशंस नहीं कर सकते अनलेस एंड अंटिल आपने गवर्नमेंट से पहले सैंक्शन लिया है। इसी तरह ये एक किसी बॉडी के अंदर आपने इलेक्शन में किसी के लिए सपोर्ट करना है या उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी करनी है, तो ये उससे रिलेटेड है। ये जो हमारा करंट सेशन है उसमें ये जो दो पॉइंट्स हैं हमारे काम के नहीं है, तो मैं इनको अभी इग्नोर कर रहा हूँ, सो डैट अननेसेसरी सेशन लंबा ना खींचे। जो हमारे काम का है बाद में आराम से पढ़ सकते हैं इन पॉइंट्स को रूल्स में खोल के। जो पॉइंट हमारे काम का है वो है पॉइंट नंबर एफ इसी सब रूल में, कि ये चीज भी आप बिना परमिशन के नहीं कर सकते। क्या है, पार्टिसिपेट इन और एसोसिएट हिमसेल्फ इन एनी मैनर इन द मेकिंग ऑफ अ स्पॉन्सर्ड मीडिया इंक्लूडिंग रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। कोई स्पॉन्सर्ड मीडिया है, रेडियो एफएम है, कोई टेलीविजन प्रोग्राम है जो कि स्पॉन्सर्ड है, उसमें आप गवर्नमेंट की परमिशन के बिना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप एक आर्टिस्ट हो, वहां लिखा होता ओकेजनल आर्टिस्टिक वर्क, वो एक तरह से आप कह सकते हो जो पहले हमने रूल 13(2) में कहा था कि आप एक नॉन प्रोफेशनल वे से किसी जगह पे अपना कोई आर्ट दिखाने गए हो, तो कभी कभार देखा आया तो वीकेंड पे दिखाया तो उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। बट जो स्पॉन्सर्ड मीडिया हो, रेडियो, जहां प्रोफेशनली आप काम कर रहे हो, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं कर सकते। अ मीडिया प्रोग्राम कमीशन्ड बाय द गवर्नमेंट मीडिया बट प्रोड्यूस्ड बाय एन आउटसाइड एजेंसी, एक कोई ऐसा प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कमीशन्ड हो बट
उसकी जो प्रोडक्शन है वो किसी आउटसाइड एजेंसी ने कर रखी हो। उसके अलावा अब प्राइवेटली प्रोड्यूस रेडियो, प्राइवेटली प्रोड्यूस मतलब प्राइवेट प्रोडक्शन हो, कोई एफएम हो प्राइवेट, या टेलीविजन और अदर मीडिया प्रोग्राम हो इंक्लूडिंग अ वीडियो मैगजीन, प्रोवाइडेड दैट नो प्रीवियस परमिशन शैल बी नेसेसरी इन द केस अ मेंबर ऑफ सर्विस पार्टिसिपेट इन अ प्रोग्राम प्रोड्यूस बाय दूरदर्शन। मतलब सरकार का अगर है तो वहां पे आपको नहीं चाहिए होगी, बट तो दूरदर्शन के लिए जब वो, क्योंकि गवर्नमेंट का एक चैनल है तो वहां पे आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा है कि अगर कोई प्राइवेटली स्पॉन्सर्ड मीडिया हो तो वहां पे आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। सो यहां से आपको एक चीज क्लियर होती है कि आप कर सकते हो ये, अपना कोई आर्ट दिखाना चाहते हो एक्टिंग के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू, कुछ ये चीजें दिखा सकते हो, बट आपको गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी होगी। गवर्नमेंट मना नहीं कर रही बट परमिशन लेनी होगी। अब इसके बाद एक और पॉइंट है, अगेन ये जो है हमारे जो करंट सेशन है उससे रिलेटेड नहीं है, आप अलग से पढ़ सकते हो। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम समझते हैं, क्योंकि अब बात आ जाती है कि क्या ये फ्री की बात हो रही है या इसके बदले पैसे भी हम ले सकते हैं, उसके इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं हम। अब यहां पे काम आता है रूल नंबर 13(4), इसमें क्या लिखा हुआ है, नो मेंबर ऑफ द सर्विस शैल एक्सेप्ट एनी फी फॉर एनी वर्क डन फॉर एनी पब्लिक बॉडी और एनी प्राइवेट पर्सन विदाउट द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही है रूल्स के अंदर कि आप कोई भी फीस कभी नहीं ले सकते हो, गवर्नमेंट कह रही है कि आप बिना परमिशन के किसी भी काम के लिए जो कि आपने किसी प्राइवेट बॉडी या पब्लिक बॉडी के लिए किया है उसके लिए आप फीस नहीं ले सकते हमारी परमिशन के बिना। और यहां फीस का इन्होंने मतलब भी बता दिया है, फीस का क्या मतलब है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग पेमेंट मेड वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अ मेंबर ऑफ द सर्विस, कि पेमेंट जो एक मेंबर ऑफ द सर्विस को दी जा रही है अदर देन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, जिसके थ्रू जो वो फंड सरकार का जहां से आपको सैलरी दी जाती है, उसके अलावा कोई आपको पेमेंट मिल रही है तो उसको यहां पे डिफाइन किया गया कि वो एक फी है। बट इट डज नॉट इंक्लूड, बट फी के अंदर ये चीजें इंक्लूडेड नहीं है, जो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही है, मान लो आपकी अपने नाम पे एक प्रॉपर्टी है, अनअर्नड इनकम सच एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, आपकी अपनी एक नाम पे प्रॉपर्टी है, उसकी कोई रेंटल इनकम है, सो उसको वो फी में काउंट नहीं कर रहे हैं। डिविडेंड्स, आपने कुछ शेयर्स ले रखे हैं उनके कोई डिविडेंड जो पीरियोडिकली आते हैं वो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो फी के अंदर इंक्लूड नहीं करेगी। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जो आपकी सिक्योरिटीज हैं आपने एफडीज करा रखी हैं उस पे जो इंटरेस्ट आएगा उसको भी फी में नहीं काउंट किया जाएगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकम फ्रॉम लिटरेरी कल्चरल आर्टिस्टिक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स एंड इनकम फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एज एन एमेच्योर। जो ओकेजनल वाली बात हुई थी रूल नंबर 13(2) के अंदर कि ओकेजनली आप ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, तो उसके थ्रू जो आपको इनकम मिल रही है वो गवर्नमेंट फी में काउंट नहीं कर रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये अभी आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, अभी हम इस चीज को और क्लियर कर लेते हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमें सप्लीमेंट्री रूल्स होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल रूल्स गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड और एक होते हैं सप्लीमेंट्री रूल्स। सो सप्लीमेंट्री रूल्स के अंदर जो सप्लीमेंट्री रूल नंबर 12 है वो आपको देखना एक बार जरूरी है, उसमें क्या लिखा हुआ है, अनलेस द प्रेसिडेंट बाय स्पेशल ऑर्डर अदरवाइज डायरेक्ट्स, जब तक राष्ट्रपति जो है किसी स्पेशल ऑर्डर से इस रूल को एग्जम्प्ट ना करें तब तक 1/3 ऑफ एनी फीस इन एक्सेस ऑफ ₹1500 पेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, कि ₹1500 से ज्यादा अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई फी मिली है पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो उसका जो 1/3 है वो सरकार के खाते में जमा करवा दिया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो दैट मींस आपको लगेगा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई बंदा अपना एक्टिंग कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, उसने बुक पब्लिश किया तो उसके थ्रू जो भी उसकी इनकम आएगी उसका 1/3 क्या गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा दिया जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, यहां पर ये इन्होंने वैसे क्लियरली लिखा हुआ है, यहां पर मैं ये बता देता हूं, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट फंडेड या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर कोई लेक्चर देने जाते हो किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो वहां से जो आपको अमाउंट मिलेगा वो इस चीज में काउंट नहीं किया जाएगा, यहां पे इसमें नोट में लिखा हुआ है।
अब एक पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया 1/3 का, उसके रिगार्डिंग एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है अंडर रूल 3, जो अभी पीछे हमने रूल 13 डिस्कस किया है कंडक्ट रूल्स का, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड दैट द इनकम फ्रॉम लिटरेरी कल्चरल और आर्टिस्टिक एफर्ट्स विच आर Not aided by the knowledge acquired by the member of the service in the course of his service. मतलब आपका कोई आर्टिस्टिक वर्क है जो कि आपने अपनी जो अभी तक की सर्विस की है उसके थ्रू आपने वो आर्ट डेवलप नहीं किया है, उसकी नॉलेज डेवलप नहीं की है, वो आपके एक पर्सनल टैलेंट है, तो उसके अंदर जो आपको पैसा मिलेगा वो फी के फॉर्म में काउंट नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ सप्लीमेंट्री रूल 12, जो सप्लीमेंट्री रूल 12 में ये लिखा हुआ था कि 1/3 जो आप कमाओगे वो सरकार के खाते में जमा हो जाएगा। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर आप अपने आर्टिस्टिक वर्क से, अपने लिटरेरी वर्क से, जो भी आपने अपना कल्चरल वर्क से पैसा कमाया है, प्रोवाइडेड सरकार से आपने परमिशन ली है, ये पहले बात आ चुकी है, सरकार से आपको परमिशन लेनी होगी इस काम को करने के लिए, काम करने की परमिशन मिल गई तो उसके बाद जो आपको फीस मिलेगी वो सप्लीमेंट्री रूल 12 के अंदर जो फी की डेफिनेशन है, मतलब 1/3 वाली जो कंडीशन है, वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी, मतलब वो सारा का सारा जो अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा, सरकार के खाते में आपको जमा करवाने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया कि आप के अंदर कोई टैलेंट है, आप उस टैलेंट को परस्यू कर सकते हो गवर्नमेंट की परमिशन लेके, गवर्नमेंट की परमिशन अगर आपको मिल जाती है तो उस केस के अंदर जो आपको वो फीस मिलती है तो वो आप अपने पास रख सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्रायर सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज नेसेसरी अंडर रूल 13(4) फॉर एक्सेप्टिंग रीन्यूमरेशन फॉर पब्लिकेशन ऑफ बुक्स आर्टिकल्स ऑफ प्योरली लिटरेरी आर्टिस्टिक और साइंटिफिक करेक्टर दो परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिकेशन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है कि आप मान लो कोई बुक लिखना चाहते हो, कोई आर्टिकल लिखना चाहते हो, आप बिना परमिशन के वो पब्लिश करवा सकते हो, बुक पब्लिश करवा सकते हो, आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हो, उसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी वो बुक पेड बुक थी, आपने किसी के साथ ये सेटलमेंट किया था कि ठीक है मैं बुक लिख रहा हूं तो मुझे इतने रुपए में उस चीज के लूंगा, या फिर आपने आर्टिकल के लिए पैसे लेने थे, तो वो पैसे लेने के लिए, वो फीस लेने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए होगी। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया है कि अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक सैलरी आप किस किस तरीके से अपने टैलेंट को यूटिलाइज करते हुए एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो रूल्स के अंदर रहते हुए, गवर्नमेंट से ड्यू परमिशन लेते हुए। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन से आपको ये जो डाउट था रिगार्डिंग कि अपनी सैलरी के अलावा दूसरे कामों के थ्रू एक्स्ट्रा अर्निंग आप कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, सो वो आज के इस कंडक्ट रूल्स पे बेस्ड सेशन से आपको क्लियर हो गया है। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।